नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो चुकी है। जितने भी मुखिया हैं उनके द्वारा जो भी डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है उन उपलब्धियों को गिनाने में लगे हुए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं लोहरदगा और प्रखंड का नाम है कुरु और पंचायत का नाम है ककरगढ़ और यहाँ के मुखिया हैं गीता तिर्की जी हैं। तो इनको जनता ने 5 साल प्लस कोरोना की वजह से 1.5 साल का मौका मिला, यानी 6 सालों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है, इनके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम जो पूर्व में नहीं हुआ था या कोई ऐसा काम बच गया है पेंडिंग जो अगर समय रहता तो वो काम भी कर लेते, इसके अलावा आगे की क्या रणनीति है, तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। इसके साथ ये भी जानेंगे कि इनके पंचायत में अगर महिला कोई है और कुछ रोज़गार करना चाहते हैं, उसके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास आते हैं, तो किस तरह से आप मदद करते हैं, समूह के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से कैसे उसको लोन दिलवाते हैं ताकि वो अपना कोई भी बिजनेस कर सके। इसके साथ साथ आपके पंचायत में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, बिजली पानी का क्या स्थिति है, तमाम मुद्दों पर इनसे बात करते हैं। पहले तो आपको गीता जी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। छोड़िए, ये बताइए कि जनता ने आपको 5 साल के लिए जो मौका दिया था, 5-6 साल, तो इस दौरान आपके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किए, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिलाने का काम किए करीब करीब? पंचायत में मतलब अति 1200 दे दिए, तलाबर फिर 300 दिए हैं, उसके बाद में फिर अति विधवा पेंशन वाला पैसा बना दिए हैं सबका लिए, कोरोना पेंशन में। हाँ, पेंशन में विकलांग हो जाए। 1200 क्या बना है? नहीं, पीएम आवास। और शौचालय कितना बना? नहीं, शौचालय में बना है मतलब 1200। अच्छा, शौचालय 1200 बना है और मतलब इंदिरा आवास बना है 500। 500 बना है। हाँ, अच्छा बताइए कि कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद की है? मदद की है कि मतलब अति सरकार तरफ से मिल रहा था राशन, तो मतलब इसको मदद कर अति सबको मतलब बुला के सबको बांट देते थे, और इसके बाद में कोई कोई को एकदम खत्म हो जाता था राशन, इसके लिए खाने पीने के नहीं रहता था, तो हम भी थोड़ा मोड़ा अपना घर से मदद किए हैं, मतलब जाके अपने सरकार की योजनाओं के अलावा अपने व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को मदद की है ताकि वो अपना कोरोना काल में घर में सुरक्षित रहे, बाहर नहीं निकले और आराम से खा पी के उस समय तो ऐसे भी घर से निकलने नहीं देते थे। हाँ, बीमारी का चलते, इसीलिए हम भी कोई कोई को दिए हैं अपना तरफ से, खत्म हो जाता था तो खत्म हो गया। मुखिया जी हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो अभी करता था बुढ़िया किसका, किसी को कोई नहीं, विधवा है, किसी का कोई रोजगार नहीं है, ये लोग रोज दिन मतलब बाहर कमा के खा रहा है, तो ये तो घर से निकलने नहीं देता था बिल्कुल भी। तो आप मदद करते हैं? अच्छा, आपके कार्यकाल में कोई ऐसा काम ऐतिहासिक जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहें कि आपके नज़र में ये लगा कि ये जो मैंने काम किया है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी ऐसा? मतलब पहले पानी का भी व्यवस्था नहीं था बिल्कुल, तभी पानी का ही व्यवस्था कर दिए, तो मतलब अगर गर्मी में 2022 में मतलब पानी का सबका लिए अभी दिक्कत नहीं है। अब पहले तो बहुत हम मुखिया नया बने थे तो बहुत हमको बता रहा था कि पानी यहाँ है, वहाँ का दिक्कत है, यहाँ का दिक्कत है, कहकर बता रहे, इतना यहाँ पानी का सुनने का दिक्कत नहीं आता है, तो समस्या नहीं आता, दिक्कत नहीं होता। हाँ, नहीं होता। और शौचालय उचालय वाला जो था, शौचालय भी पहले घर से बाहर निकलते थे सबके, शौचालय में अब सब घर में करते हैं टोटल, तो ये आपके सब सब समझदारी हो गया है। अच्छा, ये आपके लिए उपलब्धि है ना कि आपके कार्यकाल में करीब 1200 लोगों के घर में वो बन गया शौचालय। अच्छा, बताइए कि आपके नज़र में कोई ऐसा काम जो है जो बच गया है, जो लगा है कि समय के अभाव में नहीं हो पाया है, तो अगर समय रहता तो कोई वो काम कर लेते, कोई ऐसा काम पेंडिंग जो आपको लगे कि ये पेंडिंग बच गया है, सड़क, नली, गली, कुछ भी? ऐसे तो रोड वोड बनाइए दिए, मतलब कहीं तो बचा है। हाँ, पर अभी तो समय नहीं है, समय रहने से तो और बनाइए देते, बना ही देते नहीं, हाँ, समय का अभाव में बहुत सारा। हाँ, नहीं, कोरोना का लेके नहीं तो कोरोना नहीं रहता था, हम लोग को बहुत काम कर लेते, पूरा काम कर लेते, कोरोना के वजह से बहुत सारा काम रुक गया, पेंडिंग हो गया। अगर आपके पास कोई महिला आता है और महिला कहती है कि मुखिया जी मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, तो कैसे आप मदद करते हैं उसको? इसको मतलब बता देते हैं रोजगार ऐसा कि सरकार फंड से ऐसा मिलता है, वैसा मिलता है, कह के मुर्गी फार्म हो गया इसको दिवाते हैं, हाँ, समूह का, फिर दीदी बाड़ी हो गया ये सबको दिवा देते हैं, फिर आती है तो फिर पैसा उसे हम फार्म उरम रखते हैं तो हम नहीं लेते हैं, ये हो गया मदद। अच्छा, ये तो इस तरह से वो समूह माध्यम से या दीदी बाड़ी में जुड़ करके दीदी बाड़ी में दे दिए, पैसा उसे मिल जाता है, पैसा उसे हाँ मिल जाता है, और रोजगार वगैरह, रोजगार भी मिल जाता है, फिर बीज भी मिलता है इधर से लगाने के लिए, खेती बाड़ी सब हाँ, थोड़ा। अच्छा, अगर आपको जनता दूसरी बार मौका देती तो क्या कुछ सोचे इस पंचायत के विकास के लिए? तो कैसे नहीं सोचेंगे, कुछ ना आप सोचे होंगे ना कि
किसानों के लिए ये काम करेंगे वो काम करेंगे। हाँ किसान के लिए क्या, अभी सब किसान के लिए अभी जा रहा है, किसान धूप में कर रहे थे, अभी गाय सब दे मिल जाता है, ये लोग को अच्छा होता है, गाय सब मुर्गी पालन सब ये सब सब कर लेते हैं। हाँ सब चीज कर लेता है, आगे जनता मौका देगा तो ये सब काम करेंगे। जनता मौका मिलेगा तो करेंगे। अच्छा ये करेंगे। अच्छा आपके पंचायत में शिक्षा स्वास्थ्य का कैसा स्थिति है? शिक्षा अभी तो बहुत सब कोई मतलब पहले तो नहीं जाते थे पढ़ने, अब तो बहुत घरे घर पढ़ने चल जाते हैं। सब पढ़े निकल हाँ जा रहे हैं। सरकार भी सब चीज़ दे रहा है, डॉक्टर तो सब डॉक्टर आते हैं, हाँ डॉक्टर सब भी आते हैं, समय पे आते हैं मतलब कहाँ उपकेंद्र, हाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र, हाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र में आती है मैडम। आते हाँ तो अब तो यहीं रहबो करती है, तो यहीं रहती हाँ है, वहीं रहती है, तो आपने कुछ फटकार इसीलिए आपका दिक्कत नहीं होता है। अब कोई दिक्कत नहीं होता है ना, जैसे मान लीजिए डिलीवरी का हो गया, नहीं सब दिक्कत नहीं होता है, अब कोई दिक्कत नहीं होता है, जब परेशानी होता है तभी रेफर कर देती है मैडम। अच्छा पानी और बिजली का क्या स्थिति है? कई जगह हम लोग गए तो बोला था कि बिजली उली का पानी वानी का दिक्कत है, यही जजगुंडा में पानी का दिक्कत है। जजगुंडा हाँ में नहीं, जजगुंडा में पानी का दिक्कत है बिल्कुल। और बाकी सब जगह ठीक है नहीं? हाँ मतलब दिक्कत तो है मगर जजगुंडा में काफ़ी दिक्कत ज़्यादा है, दिक्कत हाँ ज़्यादा दिक्कत। तो वहाँ के लोग आपको कहते हैं कि हाँ आप कल परसों आई थी लोग, बोल रहे थे पानी का हम लोग को बहुत दिक्कत है, इतना गर्मी पड़ रहा है ना हाँ पर किसे? हम लोग को एक बार खुदवाने गए थे पर यहाँ का आदमी लोग खुदवाने नहीं दिया, वहाँ का आदमी हाँ कहे बोल दिया कि मेरा ज़मीन है वो है कह के, मतलब सरकारी जमीन थी, मेरा जमीन है इसलिए हाँ नहीं। इसीलिए। हाँ तो फिर एक बार खुदवा दे रहे तो मतलब नीचे कितना फीट तक गया, तो इसके बाद में पत्थर मिल जाता है, अच्छा, कोई कोई जगह सही है ज़मीन पानी का शोर और कोई कोई जगह नहीं है। अच्छा इसकी वजह से दिक्कत हो हाँ जाता है दिक्कत ना। होता है, जजगुंडा में केवल दिक्कत है अच्छा ज़्यादा। बाकी सब पंचायत में सब ठीक है? हाँ कितना वार्ड पड़ता है आपका? 7 7 वार्ड है, हाँ तो सब जगह लगभग अब शिक्षा स्वास्थ्य पानी बिजली का सब ठीक ठाक है। सब ठीक ठाक है। तो अगर आपको जनता मौका देती है तो आगे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे काम करेंगे, हाँ सही ना? यही तो आपने सुना कि जिस तरह से मुखिया जी ने कहा, गीता तिर्की जी हैं, इनका कहना कि अगर मैंने इस पंचायत में हर स्तर पे डेवलपमेंट करने का काम किया है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का हो, रोजगार का हो, बिजली पानी का व्यवस्था हो, सब स्तर पे हमने काम करने का काम किया है ताकि इस पंचायत का चहुंमुखी विकास हो सके। अगर छिटपुट कई जगह हैं जहाँ पे काम बच गया है तो कई लोगों ने काम को करने नहीं दिया, क्योंकि कारण यह था कि वहाँ पे निजी ज़मीन होने के कारण वहाँ पे नहीं हुआ। तो अगर वहाँ पे ज़मीन की तलाश है, अगर वहाँ पे ज़मीन अगर अच्छा मिल जाता है जो बोरिंग जो कराया जा सके तो वहाँ पे बोरिंग करा दिया जाएगा। नहीं अगर जब खुदा रहा था तो मतलब अति पत्थर कितना तो फीट गया पत्थर चल गया, पत्थर निकल हाँ जाता था, पत्थर जाता है। तो वही ज़मीन का चयन किया जा रहा है कि जहाँ पे अगर पत्थर उत्थर नहीं हो तो वहाँ पे पानी का निकासी हो जाए तो बेहतर काम किया जाएगा। और मुख्यमंत्री जन जल योजना के थोड़ा जो है सोलर वाटर योजना है, इसके द्वारा वहाँ पे पानी का भी व्यवस्था किया जाएगा। और जल मीनार वगैरह तो सब बनवा भी किए हाँ हैं, सब बनवा कल यही जजगुंडे में नहीं लगा, खाली वहीं पे नहीं लगा, हाँ बाकी सब जगह सब बन बना गया है। दिया। तो अब चलते हैं दूसरे मुखिया के पास, अब उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, तमाम मुद्दों पर उनसे बात करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाई भी दबाएँ ताकि हर छोटी बड़ी खबरों शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।